साथ ही हरियाणा की स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पशुपेश में कुल मिलाकर त्रिशंकु स्थिति, 36 पर बीजेपी और उसके पीछे पीछे चलते हुए कांग्रेस पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। 36 पर बीजेपी, 34 पर कांग्रेस, 10 पर जेजेपी और 10 पर अन्य पार्टियां, इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दे दें। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनिया गांधी ने पूरी छूट दे दी है कि आप जो चाहें गठबंधन को लेकर आप फैसला ले सकते हैं। बड़ी बातें इस वक्त की आपको हम दिला रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया है, विश्वास दिलाता हूं सभी दलों का मान सम्मान करूंगा, ये इस वक्त की बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। निर्दलीय विधायकों को प्रशासन धमका रहा है, यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल मिलकर मजबूत सरकार बनाए, इस तरह की अपील भी उनकी ओर से की गई है। उनका अनुभव भी रहा है 2005 से 2014 तक का मुख्यमंत्री रहने का, और उसी अनुभव के सहारे एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश में यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आपको बता दे अभी का जो बड़ा आंकड़ा है, बीजेपी 37, कांग्रेस पार्टी 33 पर, जेजेपी 10 पर, दुष्यंत चौटाला की पार्टी 10 पर, जबकि अन्य जिसमें INLD भी शामिल है वो 10 पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति हरियाणा की हो गई। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, आपको बता दें 288 में से बीजेपी प्लस 162 पर, कांग्रेस प्लस 95 पर कांग्रेस और NCP, जबकि अन्य के पास 31 सीटें जाती हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस के खेमे में हरियाणा में हलचल तेज हो चली है, क्योंकि उसके पास उम्मीदों का एक लंबा पहाड़ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने, डिप्टी CM का पद JJP को दे दिया जाए। और इसी वजह से विपक्षी दलों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपील करते हुए कि सारे विपक्षी दल मिलकर हरियाणा में बनाए सरकार। क्या कुछ कहा गया है हुड्डा की ओर से, सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जो भाजपा के जनादेश के खिलाफ जो पार्टियां बनी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो JJP है, INLD है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, वो सब जो है भाजपा के लोगों ने। आप सुन रहे हैं विपक्षी दलों से अपील करते हुए, लेकिन शरद पवार इस वक्त